हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। की शुरुआत में बात सबसे पहले प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल की, जिन्होंने दौरा किया है शुक्रवार को करनाल का, जहां पर विकास कार्यों की सौगात भी दी। सीएम मनोहर लाल ने पंचायत भवन में 1,80,00,000 रुपए की लागत से बने रेलवे अंडरपास का उद्घाटन किया। इसके अलावा सीएम ने अंबाला रेलवे ट्रैक पर घोगड़ीपुर रेलवे अपरगामी पुल के नजदीक बनाए गए अंडरपास का उद्घाटन भी किया। इस अंडरपास के बनने से करनाल शहर की शिव कॉलोनी जैसी लाइन पर एरिया की जनता शिवाजी कॉलोनी एरिया या शहर की तरफ से आ सकेगी और शिवाजी कॉलोनी एरिया के लोग लाइन पर आ सकेंगे। रेलवे अंडरपास से पैदल के अलावा हल्के वाहन जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल, ई रिक्शा, ऑटो, कार, जीप जैसे वाहन का आवागमन हो पाएगा। आपको बता दें कि यहां के लोग करीब 40 साल से इसकी मांग कर रहे थे, जिसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अब पूरा कर दिया है। संवाददाता कमरजीत हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हैं। कमरजीत, करनाल को सौगात मिल चुकी है जिसकी उम्मीद, जिसकी मांग वो पिछले 40 साल से कर रहे थे, और क्या कुछ जानकारी है? अगर बात करें तो पिछले 40 साल से जो मांग थी करनाल वासी के अंडर पास की, आज मिल चुकी है। उससे काफी जो लाइन बारगा शिवाजी एरिया जहाँ शिव कॉलोनी या रामनगर, उनको काफी इससे राहत मिलेगी। और काफी पुरानी मांग थी ये जो शिव अंडर पास से, इससे छोटे वाहन जो है मोटरसाइकिल, रिक्शा वगैरह सारे वाहन यहाँ से निकल चुके हैं। और इसी के साथ मुख्यमंत्री ने करनाल जो पंचायत भवन में लोगों की समस्या सुनी, तकरीबन 240 के करीब समस्याएं थी, जिसमें से मुख्यमंत्री ने ज्यादातर समस्याओं का समाधान जो कर दिया है। 60-70 समस्या अभी तक मुख्यमंत्री सुन चुके हैं। और उसके साथ अगर बात की जाए तो जो दूसरी समस्या, उनका अभी मुख्यमंत्री कह रहे हैं अधिकारियों तक पहुंच जाएंगे और उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। सबसे बड़ी बात जो आज मुख्यमंत्री ने करनाल वास में पूछी है कि अंडरपास का उद्घाटन किया है जी। इसके अलावा अगर कमरजीत बात करें तो आज वो समस्याएं भी सुनने वाले थे, विभागों की तरफ से जो जो समस्याएं थी उनको सुना जाना था, उसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने अब तक के जो 60 के बीच जो लोगों की समस्या सुनने और दूसरी समस्याओं के तौर पर जो दिए गए थे जो वो ले रहे हैं। और उसका उनका यही कहना है कि जो भी किसी की समस्या उसका समाधान होगा, जितनी समस्याएं उसके साथ अगर बात करें तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जरूर फॉर्म में नजर आए अधिकारियों को, जिन काफी पुरानी समस्या लेकर शुरू हुआ थे, जितनी समस्या का समाधान किया है, चाहे वो वाटर सप्लाई का, चाहे बुलौनी की समस्या, चाहे बिजली की समस्या, चाहे वो खाद्य आपूर्ति विभाग की समस्या, सभी समस्या को लेकर मुख्यमंत्री लोगों की समस्या सुनी। ज्यादातर जो समस्याएं सड़कों के जो ऊपर रोड़ा डाल दिया गया, उसके ऊपर काला नहीं किया गया, इस चीज को लेकर भी काफी समस्या आई थी जी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कमरजीत सिंह ने हमें जानकारी दी, मनोहर सौगात करनाल को मिल चुकी है, 40 साल से मांग कर रहे थे वो, अब वो मांग उनकी पूरी हो चुकी है।